हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अमन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्लास ट्वेल्थ की यूनिट नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेटे क्या होता है, पहले हम एग्जांपल से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। करंट क्या होता है, जैसे कि आपने सभी ने एक रिवर देखी होगी। रिवर के अंदर क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। सिमिलरली सेम एज इट इज़ एक वायर होती है बेटा, और उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन गई, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। मतलब क्या, कुछ समय के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या हो रहा है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब चेंज इन क्या हुआ बेटा, चार्ज पर यूनिट में टाइम बन गया इसका फॉर्मूला। और जो करंट को हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं बेटा, एम्पियर में, आप सभी जानते हो। तो आप सभी ये भी जानते हो, लास्ट यूनिट में हमने चार्ज की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, चार्ज के बारे में पढ़ा था, जिसका क्या वैल्यू थी मेरे पास, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन गया, वो बन गया ne बाय में टाइम। क्लियर बेटा, ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटी सी जो डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले टॉपिक्स पर। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। चलिए किसी के अंदर एक छोटी सी बात और हम पढ़ लेते हैं कि सपोज करो मेरे पास, मेरे डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मतलब चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो बेटा इसको हम किससे निकाल लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम से। मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कर लेंगे पर यूनिट टाइम डी क्यू बाय में डी टी। इसका मतलब क्या होता है, टोटल जो चार्ज है पास कर रहा है एनी क्रॉस सेक्शन विद द टाइम ऑफ टी। क्लियर बेटे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सीजीएस यूनिट की तरफ, कि सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं बेटा, सीजीएस में हम करंट को बाइट के अंदर फाइंड आउट करते हैं। बाइट हमारे एक साइंटिस्ट हैं, तो इन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे इनकी सीजीएस यूनिट बनी है, और आगे हमारे सिलेबस में बाइट सेवरेट लॉ भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। क्लियर। और बेटा एक और छोटी छोटी बात है, जो हमारा वन कूलम है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको लिख लेना। एक कूलम है वो किसके इक्वल होता है, 3×10⁹ ESU। तो और वन कूलम, इसकी बेटा कुछ वैल्यू है, 1/10 ABU। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, इसके अंदर सीजीएस यूनिट के अंदर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सीजीएस यूनिट के अंदर बायट की बायट ना लिख के इसी जगह कुछ लिख देते हैं, एम्पियर लिख देते हैं, या कूलम बाय में सेकंड लिख देते हैं, ये लिख देते हैं बेटा, ये गलत है। जो इसकी सीजीएस यूनिट करेक्ट है वो होती है बायट। चलिए सीजीएस यूनिट के बारे में हमने पता कर लिया, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, कि डायरेक्शन क्या होती है करंट की। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको एक एग्जांपल से, एक ये सर्किट बना लेता हूँ मैं, ये कर लिया मैंने एक बल्ब कनेक्ट। तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये एक हो गया नेगेटिव टर्मिनल। वी नो वेरी वेल चार्जेस आर ट्रांसफर पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट जो है ट्रांसफ़र करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो बेटा अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन एक तो क्या होता है, सर्किट के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशियल करंट, कन्वेंशियल करंट। और नेगेटिव टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम
इलेक्ट्रॉनिक करंट, जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डायरेक्शन के अंदर ही हमने दो बातें पढ़ ली थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जब फ्लो करेगा तो कन्वेंशनल करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। चलिए, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट में बेटा, वो चार्ज कैरियर होने वाला है। चार्ज कैरियर मतलब कहाँ कहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ कहाँ पर चार्ज ट्रैवल करते हैं, ये पढ़ेंगे हम। चार्ज भी बेटा बेटा एक पानी की तरह ही है, बहता रहता है, तो लेकिन बहने के लिए भी उसके कोई सरफेस चाहिए, ये हर जगह तो बह नहीं सकता। तो हम सभी जानते हैं वो सरफेस कौन सा होता है, कंडक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस होता है बेटा? कंडक्टिंग सरफेस। तो अब जो मेरे टॉपिक का नाम है उसका नाम है चार्ज कैरियर। क्या है? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज कैरियर का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ चार्ज आर ट्रांसफर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो चार्ज है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करें उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। सपोज करो एक मेरे पास एक ये रोड है, कौन सी रोड है? मेटेलिक रोड है। और एक मेरे पास ये वुडन रोड है, ये किसकी है बेटा? वुड की। और ये किसकी है? मेटल की। दोनों में डिफरेंस पता लग गया। तो हमको पता है जब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके आऊँगा तो ये क्या करेंगे? ईजिली से ट्रैवल कर जाएंगे दूसरे एंड तक। बट जब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके आऊँगा तो ये अपनी जगह पर रेस्ट पर पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस नहीं है, और बेटा मेटल क्या है? कंडक्टिंग सरफेस। तो चार्ज कैरियर में हमने यही पढ़ना है, जो पार्टिकल्स ऑफ चार्ज हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो जाए उन्हें हम क्या बोलेंगे? चार्ज कैरियर। डेफिनेशन क्या हुई? पार्टिकल ऑफ चार्ज इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज चार्ज कैरियर। क्लियर हुई बेटे बात? तो सबसे पहला जो मेरा चार्ज कैरियर है वो क्या है? मेटल। मेटल ले ली मैंने, एक रोड ली थी बेटा, एक मेटलिक रोड, जो कि मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया है। यहाँ पर जब मैं चार्ज पार्टिकल लेके आऊँगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र। क्लियर होगी? और किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगी। यहाँ पर कौन से ट्रांसफ़र होंगे पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सेकेंड है बेटा मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बेटा क्या होता है? देखिए केमिस्ट्री में यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ा होगा। एक हम ले लेते हैं ये बीकर, इस बीकर के अंदर हम लिक्विड डाल देते हैं, पानी हो गया, ठीक है। और हमने यहाँ पर डाल दिया NaCl या HCl, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो, एसिडिक होना चाहिए। तो यहाँ से जो वाटर है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और ये मेरे पास दो हो गई रोड, ठीक है बेटा, दो रोड हो गई। ये मेरी पॉजिटिव हो गई और इसको मैंने क्या मान लिया? नेगेटिव। तो जो यहाँ पर बेटा जो चार्ज कैरियर होंगे वो आयंस के रूप में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि Na हो गया और Cl हो गया, ये आयंस है बेटा। आयंस मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होते हैं इसको आयंस ही बोलते हैं बेटा। आयंस के रूप में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन चार्ज कैरियर किसकी फॉर्म में होंगे बेटा? आयन। किसकी फॉर्म में होंगे बेटा? आयन। या जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे हमारे यहाँ पर वो किस में होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। क्लियर होगी बेटे बात? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, और साथ में नोटबुक कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करो ताकि आप मेरे नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लो। अगर आपको ये नोट्स PDF की फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। पढ़े आगे बच्चे?
तो चार टाइप हैं जो कि हमने पढ़नी है, चार्ज कैरियर की, मेटल हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। थर्ड पढ़ते हैं हम, चार्ज कैरियर में हम थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड है बेटा सेमीकंडक्टर। क्या नाम है? सेमीकंडक्टर। चलिए, सेमीकंडक्टर बेटा क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर पे जो एक सेमीकंडक्टर होता है, जब हाई टेम्परेचर हाई होता है तो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। मतलब वैसे तो हमारी यूनिट है सेमीकंडक्टर, उसमें हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये भी एक किस्म से देखो एक डिवाइस लगा लो, ठीक है, तो कंडक्टर की ही एक टाइप होती है जिसमें इम्प्योरिटी वगैरह ऐड करा के इसको स्ट्रॉन्ग कंडक्टर बनाया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर टेम्परेचर हाई हो बेटा, मतलब टेम्परेचर हाई हो तो अच्छी कंडक्टेंस देता है, अच्छी कंडक्टिविटी देता है। क्लियर होगी बात? अगर टेम्परेचर लो हो तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे, वो जो चार्ज कैरियर होंगे, मतलब चार्ज जो ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के रूप में कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हैं? डोंट वरी, अपकमिंग यूनिट्स के अंदर हम इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको यही पता रख लो आप कि एक इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं जो कि चार्ज कैरियर करते हैं। फाइन, कुछ समय बाद तो पता लग ही जाएगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, फोर्थ में हम बात करते हैं बेटा गैसियस कंडक्टर। अब गैसियस कंडक्टर नाम से ही पता लग रहा है क्या, गैस। तो बेटा गैसियस कंडक्टर के अंदर वैसे तो जो चार्ज कैरियर, देखो जो गैस हो चाहे लिक्विड हो, जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस के रूप में होते हैं। इन दोनों में किसके रूप में होते हैं? आयंस के रूप में दोनों होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो जो हम कह देते हैं ना जनरली कि बिजली कड़कने वाली है, बारिश आ गई, तो बेटा वहाँ पर भी जो हमारे ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं उसमें भी चार्ज ही होते हैं, जिनके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग होके वो बिजली का रूप ले लेते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो गैसियस स्टेट में बेटा क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, जैसे कि सपोज करो मेरे पास दो चार्ज प्लेट हैं और यहाँ पर इसको पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। ड्यू टू पोलराइजेशन से क्या होता है, ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा भी होगा, ठीक है, तो एक पोलराइजेशन प्रोसेस बन जाता है और जिसके वजह से ये आयंस क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, और इसको हम ब्रेकडाउन प्रोसेस भी बोल देते हैं। इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता लगाओ कि गैसेस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो आयंस की फॉर्म में होता है बाय पोलराइजेशन। ठीक है बेटे, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं भी इतना इंक भर लेता हूँ। कोई भी आपको बेटा डाउट होता है तो पूछ लिया करो, बड़ी जल्दी हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग अभी डिसाइड करके ज़रूर यहाँ पर बताएंगे आपको कि क्या टाइमिंग रखेंगे हम। इसमें कोई भी डाउट लग रहा हो आपको या कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम। अब हम बेटा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो चार्ज है किसी कंडक्टर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब कंडक्टर में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या फॉर्म होगी उसकी ट्रांसफ़र करने की, भी कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। वैसे तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने इजीली इसको पढ़ लिया है, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे। जैसे कि कोई मेरे पास रोड है, कोई भी रोड, जैसे कि एक पेन होगी, एक रोड है, तो इसके अंदर अगर मैं किसी चार्ज को अगर मैं ड्रॉप कराता हूँ यहाँ पर, अगर किसी चार्ज को ड्रॉप कराता हूँ, क्या वो इसके एरिया से ट्रांसफ़र करेंगे, क्या वो इसके सरफेस से ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऐसी बातें अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो मेरे टॉपिक का नाम होने वाला है बेटा, करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी, कि करंट की डेंसिटी क्या होती है। करें बेटा स्टार्ट। देखो बेटा, एक बात तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग बेटा, किसी जो इलेक्ट्रिक करंट है हमेशा जो फ्लो होता है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। याद रखना, हमेशा जो चार्ज होगा, जो करंट होगा, वो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर ही क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो भैया अब करंट डेंसिटी क्या होती है, चलिए फिगर बना लेते हैं। पहले में ये एक रोड है मेरे पास, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम एक बैटरी से। ठीक है बेटे, जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट करा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हो गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ गए। तो ये मेरा हो गया एरिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो गया, एरिया हो गया मेरे पास। और डेंसिटी भी बेटा यहीं पर होगी, सेम डायरेक्शन के अंदर डेंसिटी भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन के अंदर होगी। डेंसिटी इस डायरेक्शन के अंदर कैसे होगी, चलिए हम देखते हैं। बेटा ध्यान से समझना, डेंसिटी निकालने का एक तो सिंपल सा देखो फॉर्मूला तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। करंट पासिंग थ्रू ए एरिया, जब कोई करंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया में से पास होता है तो उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि लास्ट यूनिट में आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, सिमिलरली सेम। तो मतलब क्या होता है, इसको जब डिफाइन करते हैं, करंट जो पास करता है नॉर्मली फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया के नॉर्मली फ्लो करता है। नॉर्मली क्या करता है, फ्लो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी एग्जांपल दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करते हैं, क्यू बाय में एल। मतलब जो चार्ज है किसी लेंथ के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो उसके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब कोई सरफेस आ जाए, कोई क्या आ जाए सरफेस, उसके एरिया से अगर वो पास करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। उसके एरिया से पास करे उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी इनटू एरिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा। एक छोटी सी ट्रिक है, अगर कोई स्केलर हो तो कोस थीटा होता है, वेक्टर हो तो साइन थीटा होता है। तो स्केलर है जिसके लिए यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, कोस थीटा। केस के रूप में हम कर सकते हैं, जब थीटा मेरे पास 0 डिग्री होगा तो करंट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मैक्सिमम। करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। इट मींस जो डेंसिटी है वो एरिया सेम डायरेक्शन के अंदर ही होना चाहिए, तभी मेरी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्लियर होगी बेटा इतनी बात। जो करंट डेंसिटी होती है बेटा, एक पॉइंट और, अगर मैं इसके करैक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये इनसाइड द कंडक्टर होती है। कैसी होती है, इनसाइड ए कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर के अंदर की करैक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है। होपफुली आपको करंट डेंसिटी जो टॉपिक है एक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आप 10th में भी पढ़ के आए हो, जिसका नाम है ओम्स लॉ। यस, अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ, चलिए बेटा, किस किस को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, जल्दी से बताओ ओम्स लॉ के बारे में।
करें स्टार्ट। ओके चलिए, देखो सबसे पहले ओम शेख हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिलेशन दे दिया, ये रहा रिलेशन, बड़ा मशहूर रिलेशन है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर रिलेशन है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब टेंथ में तो बहुत बुरी तरीके से आपने पढ़ा होगा इसको, बहुत बुरे तरीके से याद किया होगा, अभी यहाँ आना ही है, पक्का ही आना है, ठीक है बेटे। तो वाकई में ओम सलाह ने थ्योरी दी थी, जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर बेटे? अब एक्चुअली में मतलब क्या है इसका, देखो ध्यान से समझना, मैं पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये मैंने बैटरी बना दी और ये मैंने बना दिया बल्ब। बेटा इस बैटरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सपोज करो 220 वोल्टेज का है, इतनी बात क्लियर होगी। बट मेरे पास जो बल्ब है ये सपोज करो 10 वोल्ट का है, अगर 220 वोल्टेज डायरेक्ट 10 वोल्टेज के अंदर ट्रैवल कर जाएगी तो मेरा तो बल्ब और सर्किट फ्यूज़ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना फ्यूज़। तो उस चीज़ को बचाने के लिए ओम्स जी ने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था रजिस्टर, इसका नाम था रजिस्टर। ये रजिस्टर करता क्या था, टू रजिस्ट द करंट, करंट तो करंट को रोकता था, करंट को क्या करता था, रोकता है, रोकता था। इतनी अच्छी चीज़ बनाई इन्होंने। तो क्या करता है ये रजिस्टर, जितना भी इस बल्ब को करंट चाहिए उतना करंट तो उसको दे देगा, बाकी को यहीं पर रोक लेगा। मोस्टली बल्ब, मोबाइल फ़ोन, ट्यूब लाइट्स, हर जगह रजिस्टर का यूज़ बहुत ही बेखूबी और अच्छे तरीके से किया जाता है। इतनी बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? ओके तो इसी कॉन्सेप्ट से जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो करंट के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसका नाम क्या है, रजिस्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, और जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी भी है। क्लियर बेटे? अब हम पढ़ते हैं इसके करैक्टरिस्टिक के बारे में। भाई इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, वी आई वोल्टेज और करंट करैक्टरिस्टिक, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं हम वोल्टेज और करंट में। इस रिलेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो जो ग्राफ होगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होती रहेगी बेटे, साथ साथ इंक्रीज होती रहेगी। तो जो ये जो ग्राफ बनेगा इस ग्राफ को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और जो बेटा इसका स्लोप होगा उस स्लोप में हम इसको टेन थीटा लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन में, वेरी गुड, बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, V, बेस क्या है मेरे पास, I, विच विल इक्वल टू R रेजिस्टेंस, क्योंकि V बाय में I किसके इक्वल होता है, R के। समझ में आ गया, मतलब V I के नीचे चला गया तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट R, जैसे V बाय में I इक्वल टू R। क्लियर हो गया बेटे, कोई डाउट इसमें, नोट डाउन करो अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं, अगर करैक्टरिस्टिक में I परपेंडिकुलर हो जाए और V मेरा क्या हो जाए, बेस बनेगा, तो तब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब मेरा जो स्लोप होगा बेटे
वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, आई अपॉन में वी। और अब यहाँ पर वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, वन बाय में आर, क्या हो जाएगी, वन बाय में आर। इस केस में वन बाय आर को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं बेटे, कंडक्टेंस। तो टेन थीटा किसके कॉल हो जाएगा, जी, जी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। क्लियर हो गए बेटे दोनों स्लोप, दोनों करैक्टरिस्टिक क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो बेटे, जितनी जल्दी नोट डाउन होंगे उतना अच्छा होगा। चलो कुछ कारण पढ़ते हैं, क्या कारण रहता है जो रेजिस्टेंस का एक कंडक्टर के अंदर, मतलब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या कारण रहता है, कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के अंदर ट्रैवल करते हैं, ये मतलब ये हम कारण देखते हैं, ठीक है। और क्यों जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो अपोजिशन होते हैं इसके, इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से बेटा हम पढ़ते हैं, ध्यान दो। ओम्स लॉ के अंदर ही है बेटे ये चीज़। टॉपिक हो गया कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा इतनी बात पता है, आप याद रख लो इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इतनी बात हमने समझ ली। जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करते हैं कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कब, जब इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद ईच अदर, जब एक कंडक्टर ले लिया, सपोज करो ये मैंने कंडक्टर बना लेता हूँ, मैं ये कंडक्टर बना लिया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं एक बैटरी से। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर क्या हो गया, नेगेटिव ले लिया मैंने टर्मिनल, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास, पॉजिटिव। ये ले रही मैंने कोई सिल्वर रोड, कौन सी ले रही, सिल्वर रोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे पॉजिटिव चार्ज होल के रूप में होंगे, होल हम आगे पढ़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसमें क्या क्या होगा, आपस में भिड़ेंगे, टकराएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है। और अपोजिशन जो आयन है इसका, पॉजिटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो, जब अपनी तरफ खींचेगा और यही कारण होगा, जब अपनी तरफ खींचेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसके वजह से रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा, क्या करेगा कंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस इफेक्ट। मतलब क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव आयन्स। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो। पॉजिटिव आयन्स ड्यू टू अपोजिशन मतलब अपोजिट होने के कारण, इज क्रिएटेड इन ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके कारण रेजिस्टेंस इफेक्ट शो होता है, विच कॉजिस या कॉज रेजिस्टेंस। क्लियर होगी बेटे, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के अंदर बेटा, अगर रेजिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी तो मतलब करंट, सिंपल सी बात हो गया यार, देखो V इज इक्वल टू आई आर, वी बाय में I इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू ज़्यादा होगी I की वैल्यू कम होगी। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर R की वैल्यू ज़्यादा है तो
तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, कम होगी बाय दिस रिलेशन। क्लियर होगी। और जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा, यूनिट होती है आर की ओम। क्या होती है? ओम, जिसको हम इस सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, एनी डाउट? ठीक है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे बेटा। इसी के साथ चलो एक और छोटा सा टॉपिक कर ही लेते हैं, रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लेते हैं अपना पूरा। ठीक है, इतनी बात बेटा होपफुली समझ में आ गई हो। अब मैं इसके बाद करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टिविटी। और आपको एक बहुत ही बेसिक फ़र्क बताऊँगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं होता और बच्चे प्लस टू कर जाते हैं, फिर हमारे पास ग्रेजुएशन जब पढ़ने के लिए आते हैं तब हम समझाते हैं उन्हें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब जो टॉपिक बेटा मैं बनाने वाला हूँ वो होगा, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब ये बेटे कि एक कंडक्टर के अंदर भी एक रेजिस्टेंस इफेक्ट शो होता है, वही चीज को हम करने वाले हैं। एक मेरे पास सपोज करो एक रोड है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ क्या है, L। अपोजिशन आयन की वजह से जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर। किस पर डिपेंड करेगा? इसकी लेंथ पर। और यही रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इसके एरिया के ऊपर भी। क्लियर, पढ़ा था ना फॉर्मूला 10th में, तो जिसकी वजह से फॉर्मूला बन गया L बाय में A, R इज इक्वल टू रो L बाय में A, और इस रो को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब इट मीन्स हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द इफेक्ट ऑफ, इज द रेजिस्टेंस इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, इज द रेजिस्टेंस इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो गए। एंड एक बात और बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं बच्चे, कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रपोर्ट भी हो सकता है, हो क्या सकता है, रेजिस्टिविटी के। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज है किसी कंडक्टर के अंदर, तो रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आ गए। और क्या होता है ये, कांस्टेंट होता है। यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया आर ए बाय में एल। फाइन। और जो रेजिस्टिविटी बेटा एक प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की, सबसे पहले एक बात याद रखना, मतलब जो रेजिस्ट करती है करंट को। ठीक है, और डिपेंड वैसे होती है रेजिस्टेंस पे ही, और एक लेकिन क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की या कंडक्टर की, और ये हमेशा डिपेंड करेगी उसके डायमेंशन के ऊपर भी, किस टाइप का कंडक्टर है मेरा, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, शार्प है, समथिंग एल्स। क्लियर। चलिए, जो इसकी यूनिट होती है बेटा रेजिस्टिविटी की वो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। और CGS यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, CGS यूनिट भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, हमने भी लास्ट टाइम पढ़ा है कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, अभी पढ़ी है ना हमने पीछे बात। यस, तो इस केस में जो यूनिट होगी इस कंडक्टेंस की वो क्या होगी बेटे, ओम इनवर्स। क्या होगी? ओम इनवर्स। होपफुली आपको बात पता लग गई होगी। जैसे कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करे कंडक्टेंस होता है, सिमिलरली रेजिस्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल करे तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू वन बाय में रो, और इसकी बेटे जो यूनिट होगी वो क्या होगी, पर ओम
पर मीटर। होपफुली बेटा आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल सेशन वाली हमारी वीडियो होगी और बड़ी जल्दी ही हम लाइव का भी टाइम अपना अनाउंस कर देंगे। तो बेटा जल्दी से अगर आप न्यू यूज़र मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरी इस वीडियो को, फुल सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए और नोट्स लिख लीजिए बिल्कुल जैसे मैं करवा रहा हूँ नोटबुक पर। 110% मैं गारंटी देता हूँ अगर मैं करवा रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से कर रहे हो और प्रॉपर अपने डाउट मुझसे ले रहे हो व्हाट्सएप से या फिर यहाँ कमेंट करके, डैम श्योर कि आपके बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम फुल आउट ऑफ फुल आने वाले, 100 out of 100 ये गारंटेड बोलता हूँ मैं, क्योंकि इस तरह से मैं तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।